Yes children, in this video I am going to explain you chapter boyhood days. So what is the meaning of boyhood days? Boyhood days means ladakpan ke din. Yani ke is chapter mein kya ho raha hai ke jo writer hai wo kya yaad kar rahe hai? Jab wo ladke the wo din yaad kar rahe hai ke jab wo ladke the to kya hua tha. So let's see the story. In the United States of America there was a civil war between the southern state and the northern state on the issue of slavery and finally it came to an end in 1865. In the United States of America, ये United States of America की बात है, जब वहाँ पर क्या हुआ था, गृह युद्ध. सिविल वार का मतलब क्या होता है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ था किसके बीच में, जो सदर्न स्टेट हैं यानी कि जो जितने भी स्टेट साउथ में हैं, जितने भी नदर्न स्टेट हैं, किस पर, किस मुद्दे पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, स्लेवरी, गुलामी के ऊपर छिड़ा हुआ था. एंड फाइनली इट केम टू एंड एंड इन 1865. और ये कब ख़त्म हुआ था, 1865 में ये ख़त्म हुआ था, यानी कि गुलामी के ऊपर छिड़ा हुआ था. बट स्टिल द लाइफ ऑफ द फॉर्मर स्लेव वॉज नॉट वेरी ईजी, यानी कि जो युद्ध था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन जो वहाँ के गुलाम थे, जो अफ्रीकन्स थे, यानी कि पहले आपको पता होगा कि अमेरिका और अफ्रीका के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी गोरे काले के बीच में. तो जो गोरे लोग थे वो क्या करते थे, काले लोगों को गुलाम बना लिया करते थे. यहाँ पर जो स्लेव हैं वो कौन थे, अफ्रीका के लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे उनको यहाँ पर स्लेव कहा गया है, गुलाम कहा गया है, क्योंकि जितने भी गोरे लोग थे यानी कि जो अमेरिका के लोग थे वो क्या करते थे, जो अफ्रीका के लोग थे उनको गुलाम बना लिया करते थे. तो जो लाइफ थी अफ्रीकन्स की वो अभी ईजी नहीं हुई थी, जबकि जो युद्ध था वो ख़त्म हो चुका था. इन दिस एक्सट्रैक्ट बुकर टी वॉशिंगटन डिस्क्राइब हिज स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट. जो एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, यानी कि ये कोई बड़ी स्टोरी होगी तो उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया, छोटा सा पार्ट लिया गया है, किसने, बुकर टी वॉशिंगटन जो थे, उन्होंने अपने स्ट्रगल यानी कि जो उन्होंने जितनी जद्दोजहद की पढ़ने में लिखने में, उन्होंने कैसे, वो ब्लैक पीपल थे यानी कि अफ्रीका के रहने वाले थे, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया है इस स्टोरी में. ही वेंट ऑन टू बिकम अ लीडिंग एजुकेशनिस्ट ऑफ दिस टाइम. उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत की, वो कैसे आगे वो शिक्षाविद बने अपने टाइम के. ही हैज़ रिमेंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. वो क्या रहे हमारे लिए, एक प्रेरणा का स्रोत रहे हमारे लिए, कैसे वो एजुकेशनिस्ट बने इतनी कठिनाइयों में, तो वो हमें इंस्पायर करते हैं अपनी लाइफ से. सो लेट्स सी द स्टोरी. फ्रॉम द टाइम डेट आई कैन रिमेंबर हैविंग एनी थॉट्स अबाउट एनी थिंग आई रिकॉल डेट आई हैड इंटेंस लॉन्गिंग टू लर्न टू रीड. वो बता रहे हैं कि जब मैंने अपने विचारों को सोचना शुरू किया था तब मुझे याद आया कि कैसे मैंने, मुझे पढ़ने की कैसे लालसा रही है, कैसे मैंने पढ़ना सीखा, कैसे मुझे लालसा थी कि मैं पढ़ूं. सून आफ्टर वी गॉट सेटल इन सम मैनर. अब वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई की टी वॉशिंगटन ने. सून आफ्टर वी गॉट सेटल इन सम मैनर इन न्यू कैबिन इन वेस्ट वर्जीनिया. जैसे ही वो वेस्ट वर्जीनिया एक जगह है वहाँ के न्यू कैबिन में किसी तरीके से सेटल हुए थे. आई परसुएडेड माई मदर टू गेट होल्ड ऑफ ए बुक फॉर मी. परसुएडेड का मतलब क्या है, मैंने अपनी माँ को मनाया कि वो मेरे लिए क्या लाए, एक बुक लेकर आए. हाउ और वेयर शी गॉट इट आई डू नॉट नो. वो नहीं जानते कि उनकी मम्मी जो थी वो कैसे बुक लेकर आई थी. बट इन सम वे शी प्रोक्योर्ड एन ओल्ड कॉपी ऑफ वेस्टर ब्लू बैक स्पेलिंग बुक. मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से वो बुक लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने क्या की थी, वो प्राप्त की, प्रोक्योर मीन्स प्राप्त की थी पुरानी कॉपी, वेस्टर ब्लू ब्लैक बैग स्पेलिंग जो बुक होती है, वेस्टर की एक ब्लू बैग स्पेलिंग बुक थी जो उन्हें कहीं से मिल गई थी. विच कंटेंट द अल्फ़ाबेट, उसके अंदर क्या थे, अल्फ़ाबेट थे, यानी कि अल्फ़ाबेट ए बी सी डी होते हैं, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स थे, वर्णमाला थी. आई बिगेन एट वंस टू डेवर दिस बुक. मैंने क्या किया, उसको, डेवर का मतलब क्या है, अच्छे से पढ़ना शुरू करा. एंड आई थिंक डेट इट वॉज द फर्स्ट वन आई हैव एवर हैड इन माई हैंड्स. ये फर्स्ट बुक थी मेरे पास जो मैंने, मेरे कभी हाथ में आई थी. मुझे याद है कि वो शायद पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी थी, जो मेरे हाथ में थी. आई हैड लर्न फ्रॉम सम बडी डेट द वे टू बिगिन टू रीड वॉज टू लर्न द अल्फ़ाबेट. मैंने किसी से सुना था कि अगर हमें पढ़ना सीखना है तो हमें क्या करना होता है, पहले अल्फ़ाबेट याद करने होते हैं. सो आई ट्राइड इन ऑल द वेज आई कुड थिंक ऑफ टू लर्न इट. सो मैंने सारी कोशिश करी उसे पढ़ने की, ऑल ऑफ कोर्स विदाउट अ टीचर. जाहिर सी बात है, मैं, कोई टीचर नहीं था, फॉर आई कुड फाइंड नो वन टू टीच मी. जाहिर सी बात है, उस समय में इतनी परेशानी थी तो मैं, कोई टीचर भी मुझे नहीं मिला था जो मुझे पढ़ा सकता. देयर वॉज नॉट अ सिंगल मेंबर ऑफ माई रेस एनी वेयर
अस हु कुड रीड, हमारे मतलब हमारे जितने भी अफ्रीकन थे, जितने भी ब्लैक पीपल थे उसमें, रेस का मतलब क्या है, जितने भी उनके जाति के लोग थे, ब्लैक पीपल यानी कि जो अफ्रीका के लोग थे, उसमें कोई भी एक आदमी नहीं था जिसको कि पढ़ना आता हो। एंड आई वॉज टू टिमिड टू अप्रोच एनी ऑफ द वाइट पीपल। टिमिड मीन्स मैं बहुत ज़्यादा डरपोक था। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक था कि मैं किसी भी वाइट पीपल का मतलब अमेरिकन जो लोग, गोरे लोग थे, उनको मैं मतलब अप्रोच करूँ, उनसे कहूँ कि मुझे पढ़ा लो। इन सम वे विद इन अ फ्यू वीक्स, किसी तरीके से कुछ हफ्तों में, आई मास्टर द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द अल्फ़ाबैट, यानी कि मैंने महारत हासिल कर ली थी, मास्टर हो गया था, मुझे पढ़ना आ गया था अल्फ़ाबैट को। इन ऑल माई एफर्ट्स टू लर्न टू रीड, माई मदर फुली शेयर्ड माई एम्बिशन एंड सिंपथाइज विद मी। और जितनी मैंने कोशिश की थी पढ़ने, मेरी मदर ने मुझे फुली मतलब शेयर्ड किए, मेरे जो महत्वाकांक्षा थी, जो मेरे एम्बिशन थे, मुझे कुछ बनना था, और मुझे सिंपथाइज किया था, मतलब मेरे साथ सहानुभूति की थी और मेरी हेल्प करी थी जैसे भी वो कर सकती थी। दो शी वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड हर सेल्फ, हालांकि वो बिल्कुल भी औपचारिक रूप से पढ़ी लिखी नहीं थी। शी हैड हाई एम्बिशन फॉर हर चिल्ड्रन, लेकिन वो उनके बच्चों के लिए उनकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ थी, बहुत ज़्यादा ऊंची महत्वाकांक्षाएँ थी, वो चाहते थे उनके बच्चे आगे बढ़े, कुछ बने। अ लार्ज फंड ऑफ गुड हार्ट कॉमन सेंस, उनके पास क्या थे, अच्छे कठोर सामान्य ज्ञान के क्या था, कोच था, यानी कि वो चाहती थी उनके पास के बच्चे जो हैं उनके आगे बढ़े, कुछ बने, तो अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहती थी। इन द मिड्स ऑफ माई स्ट्रगल्स एंड लॉन्गिंग फॉर एन एजुकेशन, अ यंग कलर्ड बॉय हु हैड लर्न टू रीड इन द स्टेट ऑफ ओहियो, बीच में जब मैं जद्दोजहद कर रहा था पढ़ाई की, एंड लॉन्गिंग फॉर एजुकेशन मतलब मुझे लालसा थी पढ़ने की, तभी क्या हुआ, अ यंग कलर्ड बॉय हु हैड लर्न टू रीड इन द स्टेट ऑफ ओहियो, तभी एक यंग कलर्ड मीन्स जो काला लड़का, मतलब ब्लैक पीपल की बात हो रही है, काला लड़का अफ्रीका का, वो उसने क्या किया, वो सीख गया था वहीं पर, स्टेट एक ओहियो एक स्टेट है, वो वहीं पर उसने पढ़ना सीख लिया था जो माल्डन से आया था। एज सून एज द कलर्ड पीपल फाउंड आउट दैट ही कुड रीड, जैसे ही ब्लैक पीपल ने ये जाना कि वो लड़का पढ़ सकता है, अ न्यूज़पेपर वाज बॉट, एक न्यूज़पेपर डेली लाया जाता था एट द क्लोज ऑफ नियरली एवरी डेज वर्क, जैसे ही सारा काम खत्म होता था एक न्यूज़पेपर लाया जाता था। दिस यंग मैन वुड बी सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन, और ये जो जवान लड़का था उसके चारों तरफ आदमी औरत बैठ जाया करते थे, हु वर एनेक्सियस टू हेयर हिम, बहुत ज़्यादा उनको लालसा रहती थी कि वो कब न्यूज़पेपर पढ़े और कब वो सुने, और न्यूज़ वो जानना चाहते थे कि न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ है। अबाउट दिस टाइम द आइडिया ऑफ ओपनिंग सम काइंड ऑफ अ स्कूल फॉर द कलर चिल्ड्रन इन द विलेज बिगेन टू बी डिस्कस्ड बाय मेंबर ऑफ द रेस, ये सब देख के क्या होता था कि एक आइडिया आया था कि हमें भी कोई स्कूल खोलना चाहिए, जितने भी ब्लैक पीपल हैं बच्चे हैं उनके लिए, विलेज में सब लोग मेंबर जो थे उसी जाति के ब्लैक पीपल जो थे वो आपस में डिस्कस करते थे। सिंस इट वुड बी द फर्स्ट स्कूल फॉर नीग्रो चिल्ड्रन डेट हैड एवर ओपन इन डेट पार्ट ऑफ वर्जीनिया, तभी एक पहला स्कूल होगा नीग्रो चिल्ड्रन के लिए, यानी कि जो ब्लैक पीपल उनके लिए, जो कि कहाँ खुला होगा, वर्जीनिया में खुला था शायद। इट वॉज ऑफ कोर्स टू बी ग्रेट एंड वाइल्डली एक्साइटिंग इवेंट, ये बहुत ज़्यादा महान और एक क्या कहते हैं रोमांचक घटना थी, क्योंकि कभी भी ब्लैक पीपल के लिए कोई स्कूल तो खुला नहीं था। एज येट नो फ्री स्कूल हैड बीन स्टार्ट फॉर कलर पीपल इन डेट सेक्शन, क्योंकि कोई भी फ्री स्कूल नहीं था काले लोगों के लिए उस सेक्शन में। हैज़ ईच फैमिली एग्रीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ, फिर जितने भी जो फैमिली थी ब्लैक पीपल की, वो सब राज़ी हो गए थे कि हम कुछ ना कुछ देंगे हर एक मंथ में, टीचर को जो भी टीचर अपॉइंट किया जाएगा उसको कुछ, मैं हर महीने में हर फैमिली कुछ ना कुछ पे करेगी। विद अंडरस्टैंडिंग डेट द टीचर हु वाज अपॉइंटेड वाज टू बोर्ड राउंड, मतलब सब लोग जो थे वो राज़ी हो गए थे, और जो टीचर था वो कहाँ से आया था, एस पी परिवार से था, कि वो हर एक फैमिली को एक एक दिन देगा और जितनी भी फैमिली है वो अपने ही मतलब कुछ ना कुछ पे करेगी, उसको मिलके सब पे करेंगे। दिस वॉज नॉट बैड फॉर द टीचर, फॉर ईच फैमिली ट्राई टू प्रोवाइड द वेरी बेस्ट ऑन द डे द टीचर वॉज टू बी इज गेस्ट, ये जो था टीचर के लिए बुरा नहीं था, क्योंकि हर कोई जो फैमिली थी वो अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो एक एक दिन के लिए जाते थे तो अब उसको अच्छे से ट्रीट करते थे एज ए गेस्ट। आई रिकॉल डेट आई लुक फॉरवर्ड विद एनेक्सियस एपेटाइट टू द टीचर्स डे एट अवर लिटिल केबिन, मुझे याद है कि कैसे मैं देखता था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख रहती थी कि कब टीचर का आने का दिन हो उस छोटे से केबिन में। ऑल अक्रॉस द कंट्री इट वॉज अ होल रेस ट्राइंग टू गो टू स्कूल, पूरे देश में जो पूरी जाति थी, जितने भी अफ्रीका के लोग थे, सबको कोशिश कर रहे थे कि हम भी स्कूल जाएं, हम भी स्कूल जाएं। नो वन वॉज टू ओल्ड टू मेक द अटेम्प्ट टू लर्न, कोई भी बूढ़ा नहीं था सीखने के लिए, एंड ऑलमोस्ट नो वन टू यंग, ना कोई जवान था, हर किसी को सिर्फ स्कूल जाने की इच्छा थी कि हर कोई कोशिश कर रहा था कि मैं स्कूल जाऊं। एज फार एज एनी काइंड ऑफ टीचर्स कुड बी फाउंड, सब ये कोशिश करते थे किसी भी तरह का टीचर मिल जाए। नॉट ओनली वर डे स्कूल फील्ड
यहाँ तक कि दिन दो स्कूल चल रहे थे, दिन में भी और रात में भी, तो दिन के स्कूल ही फुल नहीं थे, बल्कि जितने भी नाइट स्कूल थे वो भी बिल्कुल फुल चल रहे थे, बिल्कुल जगह नहीं थी। द ग्रेट एम्बिशन ऑफ द ओल्डर पीपल वॉज टू ट्राई टू लर्न टू रीड द बाइबल बिफोर द डेड। और जितने भी बूढ़े लोग थे उनका क्या महत्वाकांक्षा थी, उनकी ये महत्वाकांक्षा थी कि वो बाइबल को पढ़ लें मरने से पहले, ताकि कि वो स्वर्ग में चले जाएँ। विद दिस एंड इन व्यू मैन एंड वुमेन हु वर 50 और 75 ईयर्स ओल्ड, और जो औरतें आदमी थे जो कि 50 साल के थे या फिर 75 ईयर्स ओल्ड थे, वुड बी ऑफन इन द